दोस्तों, ऐसे सभी बच्चे जो कि MBBS हिंदी में करना चाहते थे, तो ऐसे बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जी हाँ, अपडेट दैनिक भास्कर की बताया गया है, हिंदी में MBBS की पढ़ाई, MBBS फर्स्ट ईयर के कोर्स में हिंदी में मिलेंगे अंग्रेजी के शब्द। टेम्परेचर को तापमान तो लिख सकते हैं, पर स्पाइन को मेरुदंड नहीं। जी हाँ, अभी क्या था कि आप सभी को पता है कि बहुत से स्टेट्स ने बोला है कि वहाँ पर MBBS की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में होगी। अब जो बवाल था वो था लैंग्वेज को लेकर, तो यहाँ पर जो चीज़ें नॉर्मल वर्ड्स थे उनको तो हिंदी में जो है आप लिख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को तापमान, बट अगर बात करें स्पाइन की तो उसको आप बोलेंगे मेरुदंड नहीं, बल्कि उसको आपको स्पाइन ही बोलना होगा। ठीक है, इस पूरे मैटर पर अप्रॉक्सीमेट 58 डॉक्टर्स की जो टीम है, विशेषज्ञ हैं, वो लगभग 3 मंथ से ज़्यादा से इस पर वो सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेट नहीं होगा, बस आपको इजी करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड हैं जिनको आपको एड सिटीज बोलना, जिसमें कि स्पाइन, प्लाज्मा, हार्मोन्स, एंजाइम, जेनेटिक्स, एलर्जी। देखिए, वर्ड्स इंग्लिश के ही हैं बट वो हिंदी में लिखे गए हैं आपको समझाने के लिए। एक चीज़ ज़्यादा आपको और कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई वो बॉन्डिंग नहीं कि आपको हिंदी ही पढ़नी है। तो ये है एक अच्छा प्रोसीजर जिसमें जो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो भी पढ़ सकते हैं, और समय के साथ में जब उनकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को। सो इस पूरे ही मैटर पे आपका क्या ओपिनियन है, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।